आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे पपीते की चटनी, यानी कि रॉ पपाया चटनी। इसे हम प्लास्टिक चटनी भी कहते हैं। ये बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पपीते की चटनी बनाने के लिए एक पपीता ली है और पपीता का जो स्किन है वो मैंने रिमूव कर लिया, मतलब इसका जो छिलका है वो मैंने निकाल लिया। और पपीते का छोटा छोटा टुकड़ा भी हमने कर ली है और इसके अंदर के तरफ जो दाना रहता है वो भी हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये पपीता को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पपीता अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ आम अदरक ली है। यहाँ पे करीबन 50 ग्राम्स आम अदरक मैंने ली है। ये जो आम अदरक है ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में या फिर बाज़ार में मिल जाएगा। ये जो आम अदरक है ये मैंगो फ्लेवर की, यानी कि आम फ्लेवर की अदरक है। ये आम अदरक अगर आप किसी भी चटनी में डालोगे तो बहुत ही अच्छा चटनी में फ्लेवर आता है। तो इसका छिलका हम निकालेंगे, बिल्कुल अदरक के छिलका हम जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही छिलका निकालेंगे। उसके बाद अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़े में इसके वो काट लेंगे। फिर हम एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में ये छोटा छोटा टुकड़ा डाल देंगे, थोड़ी सी पानी मिलाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ आम अदरक की पेस्ट बना लेंगे। इन द मीन टाइम हम नींबू का रस निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 नींबू ली है, तो 3 नींबू को बीच में से काट ली है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से हम नींबू का रस निकालेंगे, क्योंकि चटनी में थोड़ा सा नींबू का रस डालने से चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए, आम अदरक का पेस्ट भी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस पे चलेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई में हमने डाल दी है करीबन 1 कप पानी। उसके बाद मैं डाल दी हूँ 1/2 टीस्पून नमक। फिर हम डालेंगे जो ग्रेट किया हुआ पपीता है वो। पपीता डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे और फिर एक ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ब्लंच कर लेंगे। 10 से 12 मिनट बाद थोड़ा ढक्कन हटा के हम इसे चेक करेंगे कि ये सही से ब्लंच हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये देख के तो मुझे लग रहा है कि एकदम सही से ब्लंच हो चुके हैं। इसका टेक्सचर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा ब्लांच हो जाएगा तो ये जो पपीता है ये गल जाएगा, और अगर ये गल जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और अगर ये कम ब्लांच होगा तो भी इसका कच्चापन रह जाएगा, वो भी खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सावधानी से ब्लांच करें। तो ये अभी एकदम सही से ब्लांच हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम छान लेंगे। तो एक ऐसे छन्नी के मदद से, और ऐसे होल किया हुआ कोई बर्तन है अगर आपके पास तो उसके ऊपर आप ये पपीता को डाल दीजिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद वो सेम कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ी सी और पानी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 1 कप पानी, और 1 कप पानी के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अगर आपको ज़्यादा मीठा चटनी पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हो, और अगर थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा कम चीनी भी इसे डाल सकते हो। तो मैंने एक ढक्कन लगा दिया था। 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ, चीनी जो है वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं, तो ये बॉयल होना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो पपाया था वो पपाया यानी कि पपीता हम इस पे डाल देंगे। पपीते को चाशनी में डालते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये बॉईल करना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे कुछ काजू बादाम और कुछ किशमिश ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चटनी में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो काजू बादाम और किशमिश आप देख रहे हो, ये मैंने 10 मिनट पहले से पानी में भिगो के रखे थे, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिला लेंगे और फिर से 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो फिर से 10 मिनट बाद ये जो
चटनी है, मेरे को देख के लग रहा है कि एकदम बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 नींबू का रस हमने पहले से ही निकाल के रखे थे वो नींबू का रस हम इस पे डाल देंगे। चटनी जो है बिल्कुल मीठा मीठा मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा तो ही चटनी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नींबू का रस ऐड किया। अगर आपको थोड़ा कम खट्टा पसंद है तो आप थोड़ा कम नींबू का रस ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास नींबू अवेलेबल ना है तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आम अदरक की पेस्ट हमने बना के रखे थे वो आम अदरक की पेस्ट हम इस पे डालेंगे, बट पूरा नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैं अभी डालूंगी 2 टेबलस्पून। ये जो आम अदरक है ये डालने से भी बहुत ही सुंदर सा एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। आप किसी भी चटनी में ये आम अदरक डाल सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर मिलेगा। तो 2 टेबलस्पून आम अदरक की पेस्ट डालने के बाद बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और 5 मिनट के लिए इसे फिर से पकाना है। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट बाद ये जो पपीते की चटनी है यानी कि रॉ पपाया चटनी और प्लास्टिक चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और ये चटनी को एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आई होप आज की ये जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे आज और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके ऑल कर देना ताकि मेरा हर रेसिपीज का अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, सर्विंग बोल में हमने निकाल लिया ये प्लास्टिक चटनी को। अब हम ऊपर से थोड़ा चेरी डाल के गार्निश करेंगे। तो चेरी को मैंने रिंग करके कट लिया, अब हम चेरी को ऊपर से डाल के थोड़ा गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही जल्द लौटेंगे कुछ नए रेसिपीज़ के साथ। टिल देन आप सब अच्छे रहना, ठीक रहना, बाय।